अब मैं तुम्हें रति सुख के शिखर में पहुंचने और पहुंचाने की विद्या सिखाऊंगी। तुम इस विद्या को कभी नहीं भूलोगी, इसे तुम अपने मन में संभाल कर रखोगी। शांति, तुम्हें 9 तरह का शारीरिक अंग सुख दिखाती हूँ। इस सुख में हर बार तुम सिर्फ अभूतपूर्व आनंदी दर्शन। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। जी, ब्रह्मदेवी आश्रम आ गया। यहां पर बैठो बहन। ठीक है जी, मैं यहां माता की शरण में आ गई हूँ। मेरे अंधेरे जीवन में वही दीप जलाएंगी। क्यों नहीं, मैंने तुमसे भी ज्यादा दुख सहे हैं। एक तरफ शराबी बाप, दूसरी तरफ बेकार भाई लोग, बड़ी बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई थीं, इन सब की देखभाल करने के लिए मेरी अधेड़ माँ, इन सब पर मैं बोझ बनना नहीं चाहती थी। खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी मैं। मैडम बुला रही हैं, आओ बहन। पर यही उतार कर अंदर जाओ, जाओ, जाओ। आज नहीं, कल नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, ऐसा कह के टालने से अच्छा है काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, भौरी करेगा कब। मैडम, आओ बेटी शांति, बैठो, पास आओ। हमारे आश्रम की सेवा के लिए यहाँ आई हो, इसके लिए तुम्हारे परिवार वालों को कोई इतराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, घर की ऐसी हालत है, मेरे घर से बाहर जाने से एक वक्त का खाना बच जाएगा, इसलिए सभी लोग खुश हैं। छे छे, कहीं नौकरी करने जाऊं तो बुरी नजर से देखते हैं मालिक लोग। हे ईश्वर, और कुछ नहीं सुनाओ, कठोर समाज है, लड़की बन के जन्म नहीं लेना चाहिए, खास करके गरीब के घर में, या फिर हमारी भावनाओं को समझने वाला जीवन साथी मिलना चाहिए। हाँ बेटी शांति, माँ से भरा ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन अमर रहेगी आत्मा, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो बेटी। इस जन्म को हमें सार्थक बनाना चाहिए। रो मत, मनुष्य का ये शरीर क्षणिक है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जब तक शरीर के अंदर जान है, समाज के लिए कुछ अच्छा करो, यही कहती है हमारी आत्मा। Thank you.
तुम्हारी ही राह देख रही थी। पहले यहाँ आई इस कारी सेविका के रहने का इंतजाम करो। क्यों भाई कादर, मेरे लिए कोई समाचार लाए हो क्या? मैडम, अपने शुभचिंतक गुप्ता जी आपके दर्शन के लिए पधारे, क्या आदेश है? ठीक है, गुप्ता जी के जलपान की व्यवस्था करो। उनसे कह दो कि मैं थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उनसे मिलूंगी। जाओ बेटी शांति। स्वामी जी, स्वामी जी। मैडम ध्यान खत्म करके आपसे आकर जरूर मिलेंगी। हरिओम। आपके लिए जलपान का इंतजाम किया गया है, कृपया आइए। Oh,
बेटी नेत्रावती, तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आ गई। यही उस भगवान की लीला है, तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन के उस आत्मा की शुद्धिकरण के लिए वो तुम्हें यहाँ लाए हैं। उस भगवान की मर्जी के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, उसकी इच्छा अनुसार तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण करती हूँ। आओ मेरी बच्ची। नेत्रावती, भगवान को दीप जलाओ। रूप में देखकर आश्चर्य हो रहा है ना? मानव द्वारा बनाए हुए इन साधारण वस्त्रों को त्याग कर ही आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। शर्मा क्यों रही हो? मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो, फिर हम दोनों के बीच इन कपड़ों का पर्दा क्यों?